नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं तीन आईटी स्टॉक्स के बारे में। देखो, आईटी स्टॉक्स टूटे हैं, आप सभी ने देखा, आईटी स्टॉक्स ने पैसा नहीं बनाया, आप सभी ने नोटिस किया है। लेकिन इस बाजार में अगर कहीं कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस और एक सेफ्टी है ना, तो वो बड़ी कंपनियों में ही है, लाइक आईटी जैसी। अब ये जो तीन स्टॉक्स हैं, मैं इनपे कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छे लग रहे हैं, खरीदने का मौका है, मैंने थंबनेल वगैरह में लिख दिया, वो एक अलग बात है। बट मैं यहाँ ये जरूर कह रहा हूँ कि टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि घूमने चाहिए स्टॉक्स। अब टेक्निकली जो मैं देख पा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ तो पैसा बन जाएगा। इनकेस ब्रेकडाउन हो गया, वैसा नहीं हुआ, तो फिर आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा, लॉस बुक भी करना पड़ेगा। तो डेटा की मदद से, टेक्निकल चार्ट पैटर्न की मदद से आप सभी के साथ ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तीन स्टॉक हैं, शुरू करते हैं एक एक करके तीनों ही स्टॉक्स को कवर करना। पहला स्टॉक है आप सभी के लिए दोस्तों LTTS, मिड कैप आईटी कंपनी से, लार्सन एंड टेक्नोलॉजी, LNT टेक्नोलॉजी। अब LNT टेक का चार्ट अगर आप ओपन करेंगे ना, एक साल का कीजिएगा, छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे मत आइएगा। अब ऑब्वियस है, जब हम एक साल का टेक्निकल चार्ट ओपन करते हैं तो हम एक दिन या दो दिन में जजमेंट भी नहीं लेते हैं, फिर एक आध महीना चला जाता है, तो ये आप मान के चलिए हो सकता है आपकी पोजीशन 3 से 6 महीने के लिए ट्रांसफर हो जाए। तो आपका व्यू 3 से 6 महीने का तो मिनिमम होना चाहिए। हर सेकंड भाव मत देखिए, कोई एक दो दिन की कॉल नहीं है, टेक्निकल टर्म्स पे जरूर है, बट बड़े लेवल पे टेक्निकल टर्म्स पे है, बड़े टारगेट और लेवल्स भी दूंगा मैं आपको। अब बढ़ते हैं आगे, क्या दिख रहा है मुझे, मैंने एक साल का चार्ट ओपन करा और मैं स्क्रीन पे भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टॉक ने ना आपके लिए लगभग, आप एग्जैक्टली देखो तो जुलाई 27, 2023 में स्टॉक का भाव 3938 का था, हाई लगाया 4800 का, फिर एक करेक्शन आई और करेक्शन में 4176 का हाई लगा। ये आप नोटिस करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहा अभी भी, ठीक है, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं केवल। फिर अराउंड 4100 से तेजी शुरू हुई, जो तेजी चलते चलते स्टॉक ने 5600 का हाई लगाया, फरवरी में एक छोटी सी डिप मारी, मार्च में 5100 के करीब की, फिर हाई लगे ऑलमोस्ट 6000 के, और वहां से एक करेक्शन आई है। करेक्शन में स्टॉक ने काफी बड़ी लो लगाए हैं और अभी ये यहीं से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है, हल्का सा आपको घूमता हुआ दिख रहा है, एंड में दिख रहा है हल्का सा घूमता हुआ। मेरे को लगता है जो प्रीवियस लो था ना, आप देख सकते हैं सितंबर के समथिंग, जो नीचे सितंबर लिखा है उसके समथिंग 4176 का, एग्जैक्टली ऐसे ही था, यू फॉल आया, फिर धीरे धीरे, इसे कहते हैं यू शेप रिकवरी या वी शेप रिकवरी, कुछ भी कह लीजिए। मेरा मानना है कि अगर ये रिकवरी प्ले हो गई तो आपके लिए पहला लक्ष्य ही स्टॉक में 5300 का बनेगा और इवेंचुअली 6000 रुपये जो हाई है, क्योंकि हाई ब्रेक करता है इस तरीके के पैटर्न्स में। अब स्टॉप लॉस क्या है कि जो गिरावट थी ना, गिरावट के लो का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब मैं छोटे चार्ट पे आता हूँ सो दैट मैं उस गिरावट को अच्छे से कैप्चर कर पाऊँ। तो वो लो मेरे हिसाब से लगा है स्टॉक में 4440 का, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में। तो हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, लो लगाया हमारा 10 मई को 4356 के समथिंग का, तो हमारा स्टॉप लॉस आएगा 4300 का राउंड फिगर में, जो कि होता है 290 पॉइंट्स का। परसेंटेज टर्म्स में देखूं मैं तो ये हो गया आपका 5-7%। टारगेट देखोगे आप तो 5200 का पहला टारगेट ही 13% के समथिंग आ रहा है, दूसरा तो 6000 का है, जो काफी बड़े हो जाएंगे। तो ये आपके लिए हो गया मेरा पहला स्टॉक जो टेक्निकली जो दिख रहा है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया 4300 का स्टॉप लॉस, जो रख सकता है वही लेना, बिना बात के लालच में आके मत लेना, ठीक है। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, KPIT टेक्नोलॉजीज दोस्तों। KPIT टेक का चार्ट देखें तो इसका चार्ट मैं स्क्रीन पे ओपन करता हूं आपके लिए, एक साल का पहले आप देखोगे यहां पे तेजी बनी, तेजी के बाद काफी बड़े ऐसे ऐसे डिप मारे हैं, और इस डिप में ना अभी ये जो स्टॉक दिख रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि रेंज को ब्रेक करने के लिए तैयार है, जो इसके डबल टॉप है उसको ब्रेक करने के लिए। अब 6 महीने का भी आप देख सकते हो, छोटा कराया मैंने चार्ट हल्का सा, ऊपर वाले पॉइंट को ब्रेक करने के लिए तैयार है। इसमें स्टॉप लॉस हमारा इन दो का ही स्टॉप लॉस जो है 1370 का यही बनेगा, और ऊपर में लक्ष्य पहला छोटा आएगा, बहुत ही छोटा आ रहा है एक्चुअली में 1570 का, तो ये रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आ रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1370 यानी कि ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आप इसको अगर कैरी करते हैं तो आपके लिए टारगेट जो वो थोड़ा सा निकालना मुश्किल है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आ रहा है। इसलिए पहला टारगेट हमारा 1570 आ रहा है, जो केवल 20 पॉइंट का, उसका 1630 का आ रहा है जो भी केवल यहाँ से 80 पॉइंट का, एंड देन 1670 का है जो 120 पॉइंट है, उसके बाद हम ट्रेलिंग शुरू कर देंगे। तो ये स्टॉक है जो लग तो रहा है कि चलना चाहिए, अगर चल गया तो फिर ट्रेल करिएगा, अदरवाइज रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं आ रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गिरावट में ऐड करना या बहुत कम ले लो। तीसरा स्टॉक बी सॉफ्ट यानी कि बिरला सॉफ्ट। इसका जो चार्ट पैटर्न है ना दोस्तों, अभी बना ही नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम करना ज्यादातर गलत पड़ जाता है, बट ठीक है कर रहे हैं।
आप अगर साल भर का चार्ट देख रहे हो तो बड़ी गिरावट हो चुकी है, अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम टाइप फॉर्म होने की कोशिश हो रही है और ऊपर आने की तैयारी में। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस दूंगा मैं आपको, अगर ब्रेक भी हो जाए तो ज्यादा टेंशन नहीं, 583 का। अगर 583 स्टॉक ब्रेक करता है तो निकलेंगे, उससे पहले नहीं ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 675 का आएगा, दूसरा 750 का आएगा एंड इवेंचुअली 900 रुपये भी अगर इसने चार्ट पैटर्न को फॉलो करा जो हम सोच रहे हैं कि दोबारा वापस से तेजी बनी तो ये 900 रुपये भी दिखा सकता है, यानी कि 50% तक। तो अगर ब्रेक करेगा तो छोटा सा ले जाएगा और अगर पैसा दिया तो बड़ा दे सकता है। तो ये तीन स्टॉक्स जो टेक्निकल टर्म्स पे मेरे को ठीक लग रहे हैं, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।